हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। तो गाइस, आज के वीडियो में आपके लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की हुई थी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, तो ये 7th नंबर की सीरीज़ है। इसके पहले 6 सीरीज में पब्लिश कर चुकी हूँ। आप लोग प्लीज़ जो भी सीरीज़ है उनको भी देखिए, साथ में जो अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड, नर्सिंग के सब्जेक्ट्स रिलेटेड वीडियो उनको भी देखिए, क्योंकि जो प्रीवियसली जून में CHO का पेपर हुआ था उसमें रीजनिंग GK कुछ भी नहीं आया था एग्ज़ाम में। यदि बाय चांस 1 या 2 क्वेश्चन अभी इस बार आ जाते हैं, 10 दिसंबर को आपका पेपर है, तो करंट अफेयर्स से ही आएंगे मेनली, बट रीजनिंग से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया CHO के पेपर में। तो यहाँ पर सीरीज 7th है, मॉक टेस्ट सीरीज 7th। ये CHO के पेपर के साथ साथ जो एम्स के पेपर होने वाले हैं उसके लिए भी आपकी अच्छे से हेल्प करेंगे। आफ्टर द MPCHO के बाद जो बिहार के लिए एग्ज़ाम होना है उसमें भी आपकी अच्छे से हेल्प हो जाएगी, और जो WCL के लिए एग्ज़ाम होना है उनमें भी। तो आप लोग सभी अपने जो भी कैंडिडेट पेपर देने वाले हों, आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन रेडी रखिए। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हों तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए कि और किस टाइप के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, थ्योरी बेस्ड है, पॉइंट बेस्ड है, या फिर 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन। तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं अपना पूरा 100% दूंगी कि आपकी अच्छे से हेल्प करा सकूं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मैंने 6th सीरीज में आपके लिए क्वेश्चन दिया था, द पोजीशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी इज। तो एक बच्चे की जो क्लेफ्ट लिप सर्जरी हुई है उसके लिए कौन सी पोजिशन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉन पोजीशन। मोस्टली सभी लोगों ने इसका आंसर यही बताया है। यहाँ से आज की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कुसिंग ट्रायड। सॉरी, कुसिंग ट्रायड में जो क्या इंक्लूड नहीं है, हाइपरथर्मिया, ब्रेडिपनिया, ब्रेडिकार्डिया और वाइडेंट पल्स प्रेशर। तो यहाँ पर है जो हाइपरथर्मिया है जो कुसिंग ट्रायड का एक पार्ट नहीं है। तो कुसिंग ट्रायड क्या है, इसमें 3 प्राइमरी साइन देखने को मिलते हैं, 3 प्राइमरी साइंस दैट ऑफन इंडिकेट एन इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर। कुसिंग ट्रायड में मेनली जो कुसिंग ट्रायड है कुसिंग सिंड्रोम से बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो कुसिंग सिंड्रोम है इसमें जो ब्लड में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है, बट जो कुसिंग ट्रायड है इसमें जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो बढ़ता है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसमें 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं, इंक्रीज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीज द पल्स रेट एंड डिक्रीज द रेस्पिरेशन। बट हाइपरथर्मिया है जो इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच लैब टेस्ट इज टू बी मॉनिटर्ड वाइल द क्लाइंट इज ऑन ट्रीटमेंट विथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स एक टाइप के एंटीबायोटिक्स है। तो यदि एक पेशेंट को अमीनोग्लाइकोसाइड्स दी जा रही हैं तो उसके लिए कौन सा टेस्ट है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे उसको मॉनिटर करने के लिए, हीमोग्लोबिन, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम ब्लूरोबिन और प्लेटलेट्स। तो इनमें से सीरम क्रिएटिनिन है जो करवाएंगे अमीनोग्लाइकोसाइड्स देने के लिए, किसी भी पेशेंट को अमीनोग्लाइकोसाइड से ट्रीट किया जा रहा हो उसके पहले उस पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो चेक करेंगे। और क्यों चेक करेंगे, क्योंकि जो भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स दी जाती हैं तो इसके थ्रू ये पता चलता है कि किडनी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं तो इसमें रेगुलर इंटरवल को भी चेक किया जाता है। यहाँ पर ये देखिए एक पार्ट भी बताया है मैंने, टिपिकली अ टाइम रैंडम सैंपल इज ड्रॉन 6 to 14 आवर्स आफ्टर द डोज फॉर टेस्टिंग टेस्ट दैट इवैल्यूएट किडनी फंक्शन। तो ये सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट क्यों किया जाता है, किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए, सच एज अ क्रिएटिनिन टेस्ट ही इसमें चेक करवाया जाता है। ऑफन परफॉर्म एट रेगुलर इंटरवल ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विथ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो जो भी पेशेंट अमीनोग्लाइकोसाइड्स ले रहे हैं या फिर जिसको ट्रीट करने के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड्स दिया जा रहा है तो उसका रेगुलरली है जो रेगुलर इंटरवल में क्रिएटिनिन सीरम क्रिएटिनिन लेवल चेक किया जाता है कि किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट सफलिंग गेट इज कैरेक्टराइज्ड सीन इन। शॉर्ट सफलिंग गेट ये किसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अल्जाइमर्स डिजीज, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मायस्थेनिया ग्रेविस। तो शॉर्ट सफलिंग गेट है जो मेनली पार्किंसन डिसीज में ही देखने को मिलता है,
यहाँ पर शॉर्ट सफलिंग गेट में एक्चुअल में होता क्या है, जो जनरली स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, जो हाइपोकाइनेसिया एकाइनेसिया, ये दो पॉइंट आप याद रखिए, हाइपोकाइनेसिया एकाइनेसिया, इसी से आपको पता चलेगा कि स्मॉल सफलिंग स्टेप से किसका पार्ट है, पार्किंसंस डिसीज के सिम्टम है। तो इसमें जो हाइपोकाइनेसिया, इसका मतलब होता है स्लोनेस ऑफ द मूवमेंट, बिल्कुल स्लोली चलना, और टोटल लॉस ऑफ मूवमेंट, कभी कभी कंप्लीटली और परमानेंट लॉस ऑफ मूवमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, वो कंडीशन कहलाती है एकाइनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द पोजीशन प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टॉमी इज, एक पेशेंट की टॉन्सिलेक्टॉमी सर्जरी हुई है तो उसके कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी, पाइन, फॉलोअर, स्टैंडलेनबर्ग और लेफ्ट लेटरल पोजीशन। तो उस पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट इज द इंट्राओक्युलर प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि आईओपी है जो किसके थ्रू मेजर किया जाता है, टोनोमीटर, ऑप्थेल्मोस्कोप, स्नेलन्स चार्ट और एंडोस्कोपी। तो इंट्राओक्युलर प्रेशर को चेक करने के लिए टोनोमीटर यूज किया जाता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, टोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजरिंग द इंट्राओक्युलर प्रेशर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, कौन सी मेडिसिन है जो हाइपरकैलेमिया के मैनेजमेंट में यूज नहीं होती है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज होती है, सालब्यूटामॉल यूज होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होती है, बट जो एट्रोपिन सल्फेट है ये यूज नहीं होती। यहाँ पे आंसर आएगा डी, एट्रोपिन सल्फेट, जो जो यहाँ पर एट्रोपिन सल्फेट है इसका एक मेन यूज़ और होता है कि ये एज ए एंटीडोट यूज़ की जाती है जब कोलिनार्जिक ड्रग और जो मशरूम की पॉइजनिंग हो जाए, यदि बॉडी में ओवरडोज हो जाए कोलिनार्जिक ड्रग्स और जो मशरूम है, तो उसमें एट्रोपिन सल्फेट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ स्ट्रोक दैट कैन बी डेवलप इन अ पेशेंट विथ क्रॉनिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन इज, तो जिन पेशेंट को क्रॉनिक एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें किस टाइप के स्ट्रोक का डेवलप होना देखा जा सकता है, हेमरेजिक स्ट्रोक, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, एम्बोलिक स्ट्रोक और मिनी स्ट्रोक। तो स्ट्रोक में जो क्रॉनिक आर्टेरियल फिब्रिलेशन के पेशेंट हैं उनमें मेनली एम्बोलिक स्ट्रोक देखने के और एम्बोलिक स्ट्रोक डेवलप होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। एम्बोलिक स्ट्रोक को इस्चिमिक स्ट्रोक भी कहा जाता है। देखिए, एन इस्चिमिक स्ट्रोक में अकर इन पेशेंट विथ आर्टेरियल फिब्रिलेशन आइदर एज द इनिशियल प्रेजेंटिंग मैनिफेस्टेशन ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन और डिस्पाइट अप्रोप्रिएट एंटी थ्रोम्बोटिक प्रोफाइल एक्सिस। तो जिन भी पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन की कंडीशन है तो उनको चांसेस हैं कि एम्बोलिक स्ट्रोक या फिर इस्चिमिक स्ट्रोक देखा जा सकता है, कॉमन कॉज हो सकता है एक तरीके का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न, तो एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न में किस टाइप का शॉक देखने को मिलेगा, एनाफिलैक्टिक, सेप्टिक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक और हाइपोवॉल्मिक शॉक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी, हाइपोवॉल्मिक शॉक है जो मेनली एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न के पेशेंट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, द ब्लड टेस्ट टू बी मॉनिटर्ड इन पेशेंट रिसीविंग ओरल एंटीकोआगुलेंट्स इज, तो कौन सा टेस्ट करवाया जाएगा जो पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी टाइम, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी काउंट्स। तो जो पेशेंट ओरल एंटीकोगुलेंट्स मेडिसिन ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम को चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग फूड आइटम्स इज रिस्ट्रिक्टेड इन रीनल फेलियर, रीनल फेलियर की कंडीशन है यदि पेशेंट को, तो उसको कौन सी डाइट है जो अवॉइड करवाई जाएगी, प्रोटीन डाइट, फैट, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट्स डाइट। तो जो भी पेशेंट है इनको रीनल फेलियर की कंडीशन है उनके लिए मेनली प्रोटीन डाइट अवॉइड करवाई जाएगी, क्योंकि उनको ऑलरेडी प्रोटीन यूरिया की कंडीशन हो रही है, तो यहाँ पर उनको प्रोटीन डाइट को ही अवॉइड करवाया जाएगा, बंद करवाई जाएगी। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द डिसीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द हार्मोन इंसुलिन, तो कौन सी डिसीज है जो इंसुलिन हार्मोन के थ्रू होती है, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज मेलाइटस, डाउन सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायबिटीज मेलाइटस है जो इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है, बट यहाँ पर जो डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटस, इन दो में आप कन्फ्यूज मत हो, डायबिटीज मेलाइटस तो इन डेफिशियंसी ऑफ इंसुलिन है, बट डायबिटीज इंसिपिडस है जो किसके थ्रू होती है, जब जो वैसोप्रेसिन का हार्मोन है वो
बॉडी में कम होने लगता है। डायबिटीज इंसिपिटस इज कॉज्ड बाय प्रॉब्लम्स विद केमिकल कॉल्ड वैसोप्रेसिन। जो वैसोप्रेसिन है, केमिकल भी कहा जा सकता है इसको, एंटी डायबिटिक हार्मोन भी कहा जाता है। ये जो किसके थ्रू जो एंटी डायबिटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन है, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होकर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये सीक्रेट होने लगता है। बट यदि इसमें किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आए तो डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन होती है। और जो यहाँ पर हाइपोथैलेमस एरिया है ब्रेन का, वो मूड, एपेटाइट और टेम्परेचर, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जो वर्ड हाइपोथैलेमस आया है, इससे आपको एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रेन में टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम है वो क्या क्या है। तो वो हाइपोथैलेमस से ब्रेन में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट था डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या है, 21st ट्रायोसोमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम क्या है, ऑल्सो नोन एज 47XXY और XXY। इसमें है जो दो से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं मेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम में बताया है कि दो और दो से ज़्यादा जो एक्स एक्स सिंड्रोम प्रेजेंट रहते हैं। मेनली जो मेल में एक्स वाई सिंड्रोम रहते हैं और फीमेल्स में एक्स एक्स रहते हैं। बट जब ये मेल्स में दो एक्स से ज़्यादा, ओनली 1X और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। बट कभी कभी ये दो या तीन से एक से ज़्यादा एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो मेल्स में, तो ये कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, क्लिनिफेल्टर सिंड्रोम में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। मेजर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस। तो कौन सा जो मेजर प्रोटीन है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम प्रेजेंट रहता है पैंक्रियाटिक जूस में, ट्रिप्सिन, अमीनोपेप्टाइडेज, पेप्सिन और डाइपेप्टाइडेज। तो मेनली जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आंसर होगा ए, ट्रिप्सिन। इसके अलावा आपको जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम है, फैट डाइजेस्टिक एंजाइम, इनके नाम भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम तो ट्रिप्सिन है, फैट डाइजेस्टिक एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो जो फैट को किस में कन्वर्ट किया जाता है, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। तो फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके थ्रू, बाइल, जो लीवर के थ्रू प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपके क्लियर होगा फैट डाइजेस्टिक एंजाइम पॉइंट में। लाइपेज एंजाइम है जो फैट को किस में कन्वर्ट करता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और फैट का डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसकी हेल्प से, बाइल की हेल्प से। और बाइल कहाँ पर बनता है बॉडी में, तो बाइल बनता है लीवर में। तो यहाँ पर तीन चार पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम है एमाइलेज। तो यहाँ पर इस एक क्वेश्चन में आपके 5 या 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए कि प्रोटीन डाइजेस्टिक एंजाइम इज अ ट्रिप्सिन, फैट डाइजेस्टिक एंजाइम लाइपेज और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिक एंजाइम एमाइलेज। और बॉडी में जो बाइल है वो कहाँ पर बनता है, बनता है लीवर में। और फैट का ब्रेक डाउन किस उसमें कन्वर्ट होता है, तो फैट को लाइपेज एंजाइम है जो फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। फैट का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें बाइल है जो इसकी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फ्यू इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। तो ये कंडीशन कहलाती है कोलोस्ट्रम। जो फर्स्ट मिल्क बनता है मदर में आफ्टर द डिलीवरी, वो येलो कलर का मिल्क होता है, बहुत ही बच्चों को विद इन 30 मिनट्स में वो पिलाना स्टार्ट कर देना चाहिए, तो वो है यहाँ पर कोलोस्ट्रम। यहाँ पर जो वीनिंग है वो फर्स्ट फूड है जो आफ्टर 6 मंथ बच्चों के स्टार्ट किया जाता है ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, तो वह वीनिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। सर्किल ऑफ विलेस रिलेटेड विद द सर्कुलेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो सर्किल ऑफ विलेस है, किस टाइप के सर्कुलेशन से रिलेट करता है, हार्ट में, ब्रेन में, लीवर में या किडनी में, तो ये करता है ब्रेन में। सर्किल ऑफ विलेस द पार्ट ऑफ सेरिब्रल सर्कुलेशन। ब्रेन में सर्कुलेशन होता है ब्लड का, जिससे रिलेट करता है सर्किल ऑफ विलेस एंड इज कम्पोज ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज। तो सर्किल ऑफ विलेस में कितनी आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट एंड इंटर कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सभी जो आर्टरी हैं, इसमें एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इनके नाम आप याद रखिए कि ये सर्किल ऑफ विलस में है जो पार्ट है इसका ब्लड सर्कुलेशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 15। टेस्ट बर्ड ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट टेस्ट में फाउंड, जो टंग में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट रहती हैं, तो किस टाइप की टेस्ट बर्ड हैं जो स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को, जैसे ही हम कुछ भी खाते हैं तो उस टेस्ट को पहचान लेती हैं कि ये स्वीट है या सॉल्टी है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं टंग में? एट द टिप ऑफ टंग, एट द साइड ऑफ टंग, एट द बैक ऑफ टंग और एट द साइड ऑफ टंग। तो जो मेनली टेस्ट बर्ड हैं जो स्वीट और सॉल्टी टेस्ट के लिए हैं, तो वो एट द टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ टंग पर है, जो तुरंत ही पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ स्वीटी है, स्वीट है, मीठी है और सॉल्टी है। तो यहाँ पर जो अदर पॉइंट है उनको भी मैं क्लियर कर दूँ, तो जो मेनली टेस्ट सेंसेशन में 5 बेसिक टेस्ट इंक्लूड होते हैं, स्वीटनेस, सॉरनेस, सॉल्टीनेस और बिटरनेस। तो यहाँ पर जो जीभ है, टंग है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं जो पांचों टाइप के टेस्ट है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, या फिर टेस्ट करके पता करते हैं कि कौन सी चीज़ खट्टी, मीठी या फिर सॉल्टी है। तो बिटर टेस्ट के लिए, यहाँ पे देखिए बिटरनेस के लिए कौन सी टेस्ट वर्ड है, जो बैक ऑफ द टंग में प्रेजेंट होती हैं। सोर टेस्ट के लिए है साइड ऑफ द टंग, दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं, तो वह सोर टेस्ट के लिए। बिटर टेस्ट के लिए है बैक ऑफ द टंग, और स्वीटी और सॉल्टी टेस्ट के लिए टिप ऑफ द टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इंटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज, जब किसी भी टाइप के लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? कहलाती है कैटाबॉलिज्म। द आंसर इज कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल हैं उनको सिंथेसाइज किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बट कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। इन फॉलोइंग विच इज अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन टाइप ऑफ ग्लैंड, तो कौन सी ग्लैंड है बॉडी में जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करती है? थायरॉइड, पिट्यूटरी, पैंक्रियाज एंड थाइमस, तो वो है पेंक्रियास ग्लैंड। जो लिवर और पेंक्रियास, दो मेनली तो पेंक्रियास को ही माना जाता है कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन मिक्स ग्लैंड है, बट लिवर को भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। बट यहाँ पर ऑप्शन, यदि बाय चांस एग्जाम में ऑप्शन पेंक्रियास ना आके लिवर आए, तब आप लिवर को मार्क कीजिए, क्योंकि कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है बॉडी में, पेंक्रियास और लिवर। दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज दे सीक्रेट प्रोडक्ट। इनको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है, ये भी आप याद रखिए, क्योंकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रोडक्ट्स को सीक्रेट करती हैं, जैसे लीवर है तो बाइल को, और पेंक्रियाज है जो पेंक्रियाटिक जूस को, इनटू द जीआई ट्रैक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ डक्ट्स। और एंडोक्राइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे सब्सटेंस को रिलीज करती हैं डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, तो यहाँ पर इसीलिए इनको एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों टाइप की ग्लैंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 18। शेप ऑफ गॉल ब्लैडर रिसेम्बल्स टू, तो जो गॉल ब्लैडर का शेप है वो किस टाइप का होता है? बीन शेप्ड, राउंड शेप, पियर शेप्ड और जे शेप्ड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी, पियर शेप्ड। जो गॉल ब्लैडर का शेप है वो पियर शेप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। विच इलेक्ट्रोलाइट इज हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होते हैं? तो वो है कैल्शियम। द आंसर इज सी, कैल्शियम। नेक्स्ट इज विटामिन के सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में विटामिन के कहाँ पर सिंथेसाइज्ड होते हैं? स्प्लीन, लिवर, ब्रेन एंड बैक्टीरिया इन द कोलोन। तो विटामिन के का सिंथेसाइजेशन होता है ह्यूमन बॉडी में, बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो कोलोन में, वहाँ पर। नेक्स्ट इज टी सेल्स मैच्योर इन, तो टी सेल्स का जो मैच्योरेशन होता है वो कहाँ पर होता है? थाइमस, स्प्लीन, किडनी एंड लिवर। तो ये मेनली होता है थाइमस में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ए, थाइमस। टी सेल्स मैच्योर इन द थाइमस। नेक्स्ट इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल इनटू ड्यूडेनम इज, तो कौन सा हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है बाइल को ड्यूडेनम में रिलीज करने के लिए? तो वो है साइक्लोसिस्टोकाइनिन हार्मोन। साइक्लोसिस्टोकाइनिन हार्मोन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम। जो बाइल हैं उनको ड्यूडेनम में सीक्रेट करने के लिए साइक्लोसिस्टोकाइनिन हार्मोन है जो स्टिमुलेट करता है कि भैया जाओ ड्यूडेनम में अपना काम पूरा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 23। यूनिवर्सल डोनर बिलोंग्स टू विच ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप है
यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर है जो किस ब्लड ग्रुप को माना जाता है, ओ पॉजिटिव, यहाँ पर ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। यदि किसी को किसी भी टाइप का कुछ भी लगा हुआ हो तो उनको यदि ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बाई चांस बी ब्लड ग्रुप वालों को वही सेम ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा हो, तो उनको ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है जो चढ़ाया जा सकता है, ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेड सोर्स आर कॉज्ड बाय लोकलाइज्ड। तो बेड सोर है जो किसके कारण होता है, इस्चीमिया, कंट्यूशन, एक्सेस हीट और फ्रिक्शन। तो बेड सोर्स है इस्चीमिया के कारण होते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा इस्चीमिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, थ्राम्बो एंजाइटिस इज ऑल्सो नोन है। तो थ्राम्बो एंजाइटिस को बर्गर डिसीज कहा जाता है। इसको बर्गर डिसीज क्यों कहा जाता है ये भी देख लीजिए। थ्राम्बो एंजाइटिस और बर्गर डिसीज इज नॉन एथरोस्क्लेरोटिक ऑक्लूसिव प्रोग्रेसिव हाईली इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ डिस्टल आर्टरीज। ये डिस्टल आर्टरीज जो होती हैं वहाँ पर मेनली देखने को मिलती हैं, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, लोअर लिम्स इन द स्मोकर, जो स्मोकर्स होते हैं उन्हीं में ये कंडीशन देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पर एक इमेज दी हुई है। यहाँ पर जब जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, उनमें ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो अपने यहाँ पे यहाँ पर जो टिश्यू हैं डेड होने लगेंगे, तो यहाँ पर इस टाइप की कंडीशन बनेगी। नेक्स्ट है रेनॉइड्स डिसीज। तो ये किस टाइप की कंडीशन है, अ कंडीशन इन विच सम एरियाज ऑफ द बॉडी फील नम एंड कूल इन सर्टेन सर्कमस्टेंस। तो ये इस टाइप की कंडीशन है, यदि हमारी बॉडी कभी भी ऐसे ठंडी में जाते हैं, जब हम वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंस हो जाते हैं कि वहाँ पर हमारे हाथ बस से जो निकले होंगे बाहर या फिर पैर बस, तो वहाँ पर एक अलग तरीके के साइन सिम्टम्स होंगे, तो वो कंडीशन कहलाती है रेनॉल्ड्स डिसीज। ये देखिए यहाँ पर एक इमेज भी दी हुई है। तो आज के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, इसका आंसर आप लोग जिनको भी पता हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। द हार्मोन दैट प्राइमरली प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट ड्यूरिंग कुशिंग सिंड्रोम। तो कुशिंग सिंड्रोम में कौन सा हार्मोन है जो बढ़ जाता है, उसका लेवल एक्सेस हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड्रोजन, थायरोक्सिन, एल्डोस्टेरोन और कार्टिसोल। क्या इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए जिनको भी पता हो। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।